What's up guys? तो क्या हाल है आपका? ये तो टट्टी है। In this particular video हम कवर करने वाले तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। है बूट के एपिसोड नंबर 220 के स्पॉयलर्स के बारे में। हाँ गाइज, आई नो कि ये वाली वीडियो बहुत ही लेट है, बट यार समझ लो मेरे भी कुछ पर्सनल काम थे, सो ज्यादा साकुरा किए बगैर करते हैं वीडियो को। वो पिछले एपिसोड में हमने देखा किस तरह नरुटो एंड बाकी गैंग लीफ विलेज में आ जाती है, और जैसे वो आते हैं उनकी ट्रीटमेंट वगैरह हो जाती है। एंड हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो सुमेरी है वो बोल्टो के बारे में बहुत ही ज़्यादा वरीड है, तो इससे हम बोल्टो की फ्यूचर वाइफ के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही साथ हमें दिखाया गया जो लीफ विलेज के लोग हैं वो बोल्टो को चेयर अप कर रहे हैं ताकि उसने जो लीफ विलेज को बचाया था उसके लिए। एंड साथ ही साथ जो नरुटो एंड बाकी सबको ये पता चल चुका है जो बोल्टो का अंदर मोमोशिकी है उसकी वजह से सास्की की रेनिगन उड़ गई। एंड जो नरुटो का कुरामा है वो इसीकी की वजह से यानी कि बैरन मोड की वजह से चला गया। हमें दिखाया जाता है कि जो बोल्टो है वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहा है। अब आगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मेरे को बहुत हेल्प हो जाती है। एंड यहाँ हम 2K के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। एंड इस वाले वीडियो का लाइक हम रखते हैं 70 लाइक, सो प्लीज़ इसे कम्प्लीट कर देना। तो अब ज़्यादा बकबक किए बगैर और साकुरा किए बगैर करते हैं वीडियो को शुरू। देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये वाला एपिसोड भी तगड़ा होने वाला है क्योंकि एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखने वाले जो 5 KG है उनकी समिट हो जाती है जो कि ऑनलाइन रहती है, बिल्कुल हमारे ऑनलाइन स्टडीज की तरह। एंड या उसी के साथ ही साथ उस 5 KG समिट में नरुटो उस पूरे इंसिडेंट को सबको बता देता है। तो इसी इंसिडेंट के बाद जो सारे बाकी के केज है वो नरुटो को कहते हैं तुम ज़्यादा वक्त गवाए, बोल्टो को मार दो क्योंकि ये आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। एंड साथ ही साथ जो गारा है वो भी ज़्यादा बोलता है बोल्टो के बारे में, गारा एंड राइकागे। तो यार इन लोगों को क्या दुश्मनी है हमारे बोल्टो के साथ? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है दत्ते भाइयों। एंड उसी के साथ ही साथ जो नरुटो है वो इस बात को एग्री करता है क्योंकि वो लीफ विलेज का होकागे है एंड होकागे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसे ये सब सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। तो यह वो लीफ विलेज में ये अनाउंसमेंट करता है, बट ये अनाउंसमेंट को सुन के सास्के डिसएग्री करता है क्योंकि होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो बोल्टो का सेंसे है। तो वो नरुटो को चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। एंड एंड में हमें दिखाया जाता है जो नरुटो है वो बोल्टो के पास आके बैठता है और उसे समझाता है कि किस तरह तुम आगे जाके एक मुसीबत बन सकते हो, तो तुम्हारा मरना तय है। तो क्या पता गाइस बोल्टो नेक्स्ट एपिसोड में मर जाए। हाँ गाइस, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, बट मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि आपका मजाक ख़राब हो सकता है। तो यह मैंने आपको पूरा प्रीव्यू वीडियो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये वाली स्पॉइलर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मैं सब्सक्राइब करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम 2K के बिल्कुल ही क्लोज है। अगर आपने 2K कर दिए तो मैं आपके लिए स्पेशल वीडियोज़ भी लेके आऊँगा, सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। एंड यह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बोल्टो एनिमे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, एंड आपका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए सिया।